हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज मैं जा रहा हूँ बालटाल से कटरा। जाना तो मुझे बालटाल से जम्मू था, लेकिन बस मिली नहीं रही कहीं से भी। अब बस जो मिली है बालटाल से वो ऐसी मिली है कि भाई मुश्किल से ही पहुँचेगी कटरा। और आप देख रहे हो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तो जाम ही लगा हुआ है। दो दिन से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद था लैंडस्लाइड की वजह से। बालटाल से कटरा मैं प्राइवेट बस से जा रहा हूँ। रात को 9 बजे अनाउंसमेंट हुई कि जम्मू श्रीनगर हाईवे अब खुल गया है जो दो दिन से बंद था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई लोगों की भीड़ सीधा बस स्टैंड की तरफ भागने लगी और मैं भी उसी तरफ भागा। और रात को 10 बजे बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन 3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद मुझे रात को 1 बजे 750 रुपये की टिकट जो प्राइवेट बस में जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके मुझे मिली। सारी गाड़ियों को कॉन्वॉय में ले जाया जा रहा है। सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। लगभग 150 गाड़ियां मुझे लगता है इसमें होंगी कम से कम, जो कॉन्वॉय में कानबाई में चल रही हैं। सबकी हालत ख़राब है, हंसने के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है। जोश कम हो चुका है हर किसी का, क्योंकि लोगों की ट्रेनें जो पहले से बुक्ड थी जम्मू से कटरा से वो सब निकल चुकी हैं। जोश में कमी दिखाई दे रही है शक्ल पर। पहले तो कैमरा जब उनकी तरफ जाता था कम से कम स्माइल पास कर ही देते थे, लेकिन अब जैसे ही कैमरा मैं उनकी तरफ मोड़ता हूँ वो अपना मुंह ही मोड़ लेते हैं। तो श्रीनगर पार करने के बाद रास्ता बंद है, शायद आगे लैंडस्लाइड हो गई है उसकी वजह से। हम भंडारे में जा रहे हैं और यहाँ आप देखो हम आए थे कानबाई में। हमारे आगे भी सिक्योरिटी थी भाई साहब, CRPF मिलिट्री और पीछे भी मिलिट्री, बीच में हमारी कम से कम 100-150 गाड़ियाँ। और आप देख ही रहे हो ये सारी बसें। और ये है मेरी बस, लगभग 55 लोग इसमें थे और 5-7 कैबिन में। सब बालटाल से चले थे सुबह, अब यहाँ पर आके फंस गए, सब फंस गए। अब भंडारे का खाना खाएंगे हम। ओह, यहाँ से तो मैं नहीं निकल पाऊंगा, फंस जाएगा भाई, मैं फंस जाऊंगा, बैग फंस जाएगा ना। और ये है मेरी बस। वैसे तो मैंने कटरा जाना था, लेकिन मैं अब उधमपुरी जा रहा हूँ। उधमपुर से मैंने ट्रेन बुक कर ली है दिल्ली की। रास्ते में पैसेंजर्स की आपस में लड़ाई भी हो गई, हाथापाई होने ही वाली थी। कंडक्टर ने और पैसेंजर्स ने उसको रुकवा दिया। मसला ये था कि कई पैसेंजर्स की ट्रेन थी जम्मू से कटरा से रात को 9:30 बजे की। वो कहते और पैसेंजर्स को कि भाई साहब आप चाय के लिए मत रुकवाना भंडारे पर, नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी, लेकिन वो नहीं माने। बस तो मैंने पकड़ी थी कटरा की, लेकिन मैं उधर गया हूँ उधमपुर पर ही, क्योंकि मैंने उधमपुर से दिल्ली की ट्रेन ले ली है। तो बालटाल से कटरा का जो डिस्टेंस था वो था 315 किलोमीटर और बालटाल से उधमपुर का 275 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे मेरी जर्नी उधमपुर से दिल्ली की ट्रेन की। ठीक है जी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। तो फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।